हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के ब्रो मेलेक्टिकल पर। तो फ्रेंड्स, आईटीआई और डिप्लोमा छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से, यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से। ये दोस्तों ऐसा ही डिपार्टमेंट है जैसा कि आपकी NPCIL, बार्क, NFC इसी तरह का एक डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है ये वाला, और इसकी ओपनिंग की बात करें तो इसके जो फॉर्म जो ओपनिंग होने वाले हैं वो आपके 15/4/2021 से आपके सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो आपकी 15 मई 2021 रात्रि 23:59 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पूरा प्रोसेस बताऊँगा किस प्रकार आपको फॉर्म फिल करना है, क्या योग्यता रहने वाली है, और क्या क्या इसमें आपके लिए डॉक्यूमेंट लगने हैं, और कितनी फ़ीस आपको देनी होगी, और कितनी पेमेंट आपको मिलेगी, किस प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों पूरा वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। कितने पदों पर वैकेंसी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइट टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर फिल अप फॉलोइंग पोस्ट इन इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, यहाँ पर आपको दिया गया है। ये इसकी ऑफिशियल इसकी वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आपके जाकर इसको इस नोटिफिकेशन को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, कौन कौन से आपकी कैटेगरी दी गई हैं, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पोस्ट ग्रुप ऑफ पोस्ट यानी उसका आपको ग्रुप दिया गया है, पोस्ट कोड भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और आपका नेम ऑफ पोस्ट भी दिया गया है। तो चलिए फिर दोस्तों इसमें कुछ स्पेशल वैकेंसी भी आपको दी गई हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और कुछ डिप्लोमा और आईटीआई के लिए भी दी गई हैं। तो दोस्तों डिप्लोमा की जो पोस्ट हैं वो आपकी कैटेगरी फर्स्ट की हैं, और आईटीआई स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड की जो पोस्ट हैं वो आपकी आईटीआई छात्रों के लिए हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आईटीआई छात्रों के लिए 171 पोस्ट हैं, और 68 जो वैकेंसी हैं वो आपकी डिप्लोमा छात्रों के लिए हैं। ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो 239 वैकेंसी डिप्लोमा और आईटीआई छात्रों के लिए इसमें दी गई हैं। तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो फ्रेंड्स ये जो पोस्ट दी गई है आपको बैचुलर डिग्री आवश्यक है इसमें योग्यता, तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पैसे से पहले बता देना चाहता हूँ, यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों सीधा बात करते हैं, सीधा डिप्लोमा और आईटीआई की जो वैकेंसी है उस पर चलते हैं। तो दोस्तों डिप्लोमा छात्रों के लिए जो वैकेंसी हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यानी कैटेगरी फर्स्ट की वैकेंसी हैं, ओवरऑल 68 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व के लिए 31 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 16 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए आपका 15 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी हैं। केमिकल की बात करें तो इसमें केमिकल की आपकी यहाँ पर आप नंबर ऑफ पोस्ट 3 आपको दे रखी हैं, सिविल के 1 दे रखी है, इलेक्ट्रिकल की 8 पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की आपकी 15 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल की 25 वैकेंसी हैं, और केमिस्ट्री की 3 वैकेंसी हैं, और फिजिक्स की आपकी 13 वैकेंसी हैं। ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो 68 इसमें दिया गया है, और दोस्तों इनके सामने इसकी आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है, यानी इलेक्ट्रिकल की बात करें तो डिप्लोमा ने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो दोस्तों क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 24 ईयर इसमें आपको के बीच आपकी ईयर होने मतलब आपका उम्र होना चाहिए, और छूट की बात करें तो 3 साल 5 साल एससी के लिए, और आपका ओबीसी के लिए 3 साल की छूट इसमें आपको मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको ये आपकी 2 स्टेज में आपकी परीक्षा होने वाली है। पहले स्टेज में आपको 100 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, और उसमें प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और इसमें नेगेटिव भी आपको रहने वाली है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आईटीआई छात्रों के लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड की जो वैकेंसी है, ओवरऑल 171 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व की 130 वैकेंसी हैं, और आपका ओबीसी की यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो वैकेंसी हैं इस प्रकार दी गई हैं, यानी ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल के लिए 11 वैकेंसी हैं,
इलेक्ट्रीशियन के लिए 52 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 52 वैकेंसी हैं, फिटर के लिए आपकी 53 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल टूल्स के लिए आपकी 9 वैकेंसी हैं, प्लम्बर के लिए 16 वैकेंसी हैं, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर के लिए 14 वैकेंसी हैं, वेल्डर के लिए 5 और लैब असिस्टेंट के लिए 21 वैकेंसी हैं, ओवरऑल 171 वैकेंसी हैं। और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मिनिमम 60% मार्क्स इन SSC साइंस एंड मैथ, यानी आपके हाई स्कूल में आपके 60% मार्क होना अनिवार्य है। और यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो दूसरे नंबर पर आपके मिनिमम आपके 60% मार्क HSC यानी हाई स्कूल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आपके होना अनिवार्य हैं। ऊपर वाले सीनियर सेकेंडरी में आपके इतना होना अनिवार्य हैं, और आपके साथ साथ आपका ITI सर्टिफिकेट 2 साल का आपके पास होना अनिवार्य है, जिसमें आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट फिटर मैकेनिकल मैकेनिक टूल्स मेंटेनेंस रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशन, यानी जो जो आपकी पोस्ट है उसी के अनुसार आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या क्या इसमें एज लिमिट रहने वाली है। 18 से 22 ईयर के बच्चे इसमें आपको लिए जाएंगे, और इसमें जो प्रोसेस जो रहने वाली है यानी सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपकी प्राइमरी टेस्ट होगा और उसमें के बाद एडवांस टेस्ट होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो प्राइमरी टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होंगे, 20 क्वेश्चन साइंस से होंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से होंगे। ये क्वालिफाई नेचर का होगा, इसके आपके मार्क मतलब मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। और दूसरे नंबर पर आपका एक एडवांस परीक्षा होगी, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक के लिए 3 नंबर का होगा और नेगेटिव के लिए 1 आपका काट लिया जाएगा। और जो आपका जो परीक्षा होगी वो आपकी 2 घंटे की इसमें होगी। और दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा इसी के बेस पर आपका होने वाला है। और तीसरे में आपका जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़ लें। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको ट्रेनिंग के दौरान कितना सैलरी आपको मिलेगा। तो कैटेगरी फर्स्ट की बात करें तो 16,000 रुपये पहले साल मिलेंगे और दूसरे साल आपको 18,000 रुपये, यानी 2 साल आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है और उसके अंतर्गत आपको 3,000 रुपये बुक वगैरह के लिए एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। अब कैटेगरी सेकंड की बात कर लें यानी ITI छात्रों के लिए, पहले साल 10,500 रुपये मिलेंगे और दूसरे साल 12,500 रुपये आपको दिए जाएंगे और 3,000 रुपये आपको बुक वगैरह के लिए दिए जाएंगे। और दोस्तों इसमें हर साल आपका मतलब इसमें परीक्षा होती रहेगी, तो उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई नंबर भी यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट के लिए इस प्रकार आपको लाने हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और कैटेगरी सेकंड को इस प्रकार से आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी मिनिमम इतने नंबर आपको लाने अनिवार्य होंगे। और उसके बाद जो आपकी सैलरी रहने वाली है यानी आप फाइनल 2 साल की ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको कैटेगरी फर्स्ट की बात करें तो लेवल 7 के अंतर्गत रखा जाएगा 44,900, इसमें आपको बेसिक रहने वाला है और बाद बाकी जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट के अनुसार रहने वाली हैं। और कैटेगरी सेकंड में आपकी 2 इसमें रहने वाली हैं, एक लेवल 4 और एक लेवल 3, वो आपका आपकी जो आपका परफॉर्मेंस रहने वाली है 2 साल के अंतर्गत उस पर आपको डिपेंड करेगा। यदि लेवल 4 के अंतर्गत आते हैं तो 25,500 बेसिक रहने वाली है, और लेवल 3 के अंतर्गत आते हैं तो 21,700 इसमें आपको बेसिक मिलने वाली है और बाद बाकी सुविधाएं वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रहने वाली हैं। तो दोस्तों और भी कुछ इसमें क्राइटेरिया दिए गए हैं यानी फिजिकल कंडीशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं फीस वगैरह की, तो फीस में यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया है ये वाली, आपको यदि इससे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं 300 रुपये आपको देनी होगी। और इसमें आप देख सकते हैं ये स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की बात करें तो 200 रुपये, और ITI छात्रों के लिए इसमें आपको 100 रुपये आपको पे करना होगा। तो दोस्तों ज़्यादा फीस नहीं है और वैकेंसी भी अच्छी है, तो आप अपनी इस फॉर्म को भर के अपनी अच्छी से तैयारी करते रहें, बहुत ही अच्छा मौका है इस बार आपको। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहने वाले हैं। तो पहले अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोटम्बूर, दिल्ली, आपका गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, यानी बहुत सारे एग्जाम सेंटर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें से आपको कोई ना कोई एग्जाम सेंटर आपको मिलने वाला है, तो आप उसी प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों
और भी कुछ ज़्यादा जानकारी दी है, ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार जरूर आप इसे अच्छे से पढ़ लें। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ज़्यादातर इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।